हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, मैंने अपने गार्डन के लिए बहुत सारे शॉपिंग किए हैं जो मैंने सारे एक ही वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये हैं कुछ सीड्स कॉम्बो में मुझे फेसबुक के ग्रुप से रिसीव हुआ है, वहीं से मैंने ऑर्डर किए थे इनको। और ये सीड्स हैं विंटर के सारे फ्लावर्स की, और कम करंट क्वांटिटी है और रुपीस भी कम ही है। तो देखिए इसमें कौन से हैं, सारे मेंशन है यहाँ पर, और मैं पैकेट्स भी आपसे दिखाती हूँ। ये मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ नर्सरी में आजकल पौधे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। जो भी आते हैं वो मैं क्या बताऊँ आपको, वही जो नॉर्मल सी खेतों में लगाते हैं वही आते हैं। फ्लावर की तो कभी कभार सीज़न में आता था, इस बार बारिश कम होने की वजह से वो भी ज़्यादातर नहीं आया है। तो मैं सोच रही हूँ सीड से थोड़ी सी ट्राई कर लेते हैं सीज़न वाले जो भी हैं। तो इसके लिए मैंने जो है यहाँ पर सीड से ऑर्डर किए कि काफ़ी मात्रा में वैरायटी ऑफ सीड्स मिले हैं, लेकिन कम है, छोटे पैकेट्स हैं। वैरायटी ऑफ सीड्स जो इसमें है, मुझे जितने अभी लगानी वो मैं थोड़ी थोड़ी सी निकाल कर रख रही हूँ। अभी मैंने इनको नहीं बोया है, अब बोना है, और जितनी जल्दी बोएंगे उतनी जल्दी इसका रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि देर करेंगे तो इनका रिज़ल्ट कम होता है। एक्चुअली जितना फ्रेश सीड्स रहता है उतना जर्मिनेशन रेट 90-100% तक रहता है। अगर सीड बहुत दिन का रहता है तो 50% भी जर्मिनेशन रेट नहीं रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने बहुत बार फेस किया है ऐसा। ये देखिए वर्मीना है, मुझे लगानी है इस बार, तो सोच रही हूँ ये इसको लगा देते हैं। और पेटूनिया है, पेंजी है, सारे बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं यहाँ पर, सॉरी सीड्स है। ये देखिए साल्विया है, क्रेसेंथिमम की है, एक और वैरायटी आती है तो एनुअल क्रेसेंथिमम होता है वो वाला है। तो बहुत सारी ऐसी वैरायटी है जो मैंने कभी बोया ही नहीं है, उसका वैरायटी भी है यहाँ पर। तो सोच रहे हैं इस बार थोड़ी थोड़ी सी बो लेते हैं, थोड़ी सी ट्राई कर लेते हैं। मेरा ये ही प्रॉब्लम होता है कि एक दिन भी अगर सीड डालने के बाद मैं एक दिन भी पानी डालना भूल लेती हूँ, इतना धूप है भूल लेती हूँ, तो वो सीड्स वहीं पर थोड़े जर्मिनेट हुए होते हैं, होने वाले ही होते, स्प्राउट होने के लिए रेडी होता है। जब मैं पानी नहीं देती हूँ तो ये बिल्कुल ख़राब होते हैं। यही एक कारण है मेरे पास, और ज़्यादा धूप की वजह से भी थोड़ा कम रिज़ल्ट मिलता है। और एक मैंने मैंने लिया है ये कुछ सामान अपने गार्डन के लिए, और ये शॉपसी से लिया है या मीशो से कुछ लिया है मैंने। तो ये देखिए ये पॉट्स है, हैंगिंग पॉट्स है, उतनी अच्छी क्वालिटी की तो ये है नहीं है, धूप में बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हाँ, अगर आप इंडोर लगाना चाहते हैं तो कुछ दिन तक चल जाएंगे, लेकिन उतनी अच्छी वैरायटी को तो ये है नहीं। इसे अच्छा कि डीमार्ट में वगैरह मिलता था, मुझे ऐसा लगा। इसके साथ चैन भी आया है, पैक ऑफ फाइव है इसमें। तो ये देखिए विड्थ अच्छा है, लेंथ अच्छा है, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि 299 का था शायद, और मतलब 50 रुपीज़ में एक पड़ा, 50 रुपीज़ में तो अच्छा ही आना चाहिए था। और ये 199 में मैंने हुक्स लिए हैं। ये कुछ हुक्स है 199 में मैंने लिए हैं। थोड़ा यहीं पर मैं अपने घर के बाहर लगाने के लिए मैंने लिए हैं, ये शॉपसी से लिए हैं। वैसे ठीक है, उतना ज़्यादा हल्का भी नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, लेकिन अच्छा है। वैसा लग रहा है कि ये कुछ
होगा नहीं, स्ट्रांग थोड़ी सी लग रही है मुझे। और मेरा बेटा बता रहा था कि इसको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। जो ये वैरायटी है देखिए, चार है, पैकअप 4 का है ये भी। यहाँ पर हुक्स वगैरह है। और उसके बाद मुझे एक रिसीव हुआ है प्लांट्स का, मैंने ऑर्डर किया था ये भी फेसबुक पर ही। इसका मैंने रिपोर्टिंग वगैरह भी कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ है कि शायद ये हाइब्रिड वैरायटी के हैं, तो इस वजह से इसका कंडीशन थोड़ा नाजुक सा रहता है। कौन सा भी वैरायटी हाइब्रिड की हो, अगर हम देसी मंगवाते तो अच्छा रहता था, वो तो कहीं पर भी चल जाता, लेकिन हाइब्रिड वाली जो रहती है वो थोड़ा नाजुक सा रहता है। ये अडेनियम मैंने लिया है, 3 कलर के पैक ऑफ 3 खाता, ये भी 99 इंच था, तो इसको मैंने लिया है। तो ये रहा, और एक तो बहुत ही बुरा कंडीशन है उसका, क्योंकि ये देखिए पूरा चिकनी मिट्टी में लगा हुआ था, मिट्टी के साथ मुझे मिला है। अगर मिट्टी निकाल कर देते तो बहुत अच्छा था, इन्हों मिट्टी के साथ ही मुझे बेच दिया, तो ये बिल्कुल भी अच्छे है नहीं है। इसका कंडीशन बहुत ही बुरा हुआ था जब मैंने इन्हें निकाला। फिर मैंने 2 दिन इसको फंजीसाइड की पानी में डालकर, फिर मैंने 2 दिन छोड़ दिए थे इसको। उसके बाद रिपोर्टिंग की है, लेकिन बहुत ही इसकी एक प्लांट बच नहीं पाई मेरी, और 2 बचे हैं। ये देखिए कितनी चिकनी मिट्टी है इसके, तो बिल्कुल कुछ भी निकल ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि ये पौधा को खराब ही कर देगा, लेकिन हो गया अभी खराब। देखिए पूरा मिट्टी के साथ मिला है, मिट्टी नहीं रहता तो वही अच्छा था इसमें। और पैक भी ऐसे किए थे कि पानी वाला पॉलीथीन, देखिए पानी में भीगा हुआ है, पैकिंग की वजह से ही ये मुझे थोड़ा ख़राब लगा इसका। वैसे बोले तो है इसमें 3 कलर है, लेकिन मुझे इसमें फ्लावर आने तक कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये ऑनलाइन में बहुत सारा फ्रॉड भी होते रहते हैं। देखती हूँ एक बार, अगर कोशिश कर लेती हूँ, अगर अच्छा निकला तो ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ ये 700 को 500 से ऊपर ही बोलते हैं, 700 800 तक बोलते हैं। इसका प्लांट एंथोरियम आया है, उसका तो ये 800 बोल रहे हैं, तो ऐसे प्लांट बिकता है हमारे यहाँ। तो इसलिए मैं थोड़ी सी सीड्स और ऑनलाइन ही ज़्यादा मंगवा रही हूँ इस बार, ताकि मुझे प्लांट्स की कलेक्शन मिलती रहे। तो ये बंगाल से रिसीव हुआ है मुझे, ये मैंने देखा तो बंगाल से रिसीव हुआ है, लेकिन पैकिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एडेनियम को हम बिना मिट्टी के ही रिसीव होता तो मुझे अच्छा था। ये मैंने 3 मैंने खोल दी है, और एक है, चलिए इसको भी खोल देते हैं। ये मैंने स्वाति जी से मंगवाए हैं पुणे से, और इनका पैकिंग तो बहुत ही बढ़िया था। और इसमें मैंने 2 जरबेरा के मंगवाए थे, लेकिन उन्होंने एक ही सेंड किए थे, और वो भी एक अच्छी कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं था। चलिए कौन से प्लांट्स हैं वो मैं ये ओपन होने के बाद ही आपसे बताऊंगी। ये देखिए पैकिंग वगैरह अच्छा था। अगर हम इस तरह से पेपर में वैसे रैप करेंगे, टिश्यू में हो या न्यूज़पेपर में हो, तो वो जितना भी मॉइस्ट है वो अब्ज़र्व कर लेगा, तो इस वजह से प्लांट की कंडीशन अच्छी रहती है, क्योंकि बिना हवा से ही ये रहने लगते हैं ना वहाँ पर। इसलिए मैंने कुछ केलेंचू के और क्रेसेंथिमम के प्लांट्स मंगवाए हैं, और केलेंचू का भी कलर वैरायटी अच्छा लगा मुझे,
तो मैंने सैंपल के लिए छोटे छोटे ही एक एक ही मंगवाए हैं। अगर मैं दो दो तीन तीन ऑर्डर करती तो अच्छा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं चलो एक एक ही मंगवा लेती हूँ, इस बार लगता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। फिर मैंने पहले देखिए न्यूज़पेपर है ऊपर, उसको रबर बैंड से लगाया गया है। फिर उसके बाद अंदर और एक जो हम लोग एक स्पॉन की तरह एक कपड़ा का एक बैग आता है ना, आजकल बैग इसी का निकल रहा है, तो ये वाला उसका अंदर लगा हुआ है। ये क्रिसेंथेमम है, देखिए ये भी कैलेंजो है, सॉरी, ये देखिए क्रिसेंथेमम के आने लगे हैं। वैसे बहुत ही पतला है क्रिसेंथेमम, और मुझे ये देखिए इसमें चार पौधे हैं। अच्छा, ही रिसीव हुआ है मुझे। देखिए ये वाला बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया, इसका कंडीशन भी अच्छा नहीं है, और इसका हालत और प्लांट का साइज़ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये देखिए, वैसे मैंने लगाते ही 2 दिन में ये पूरे ख़राब होने लगा, क्योंकि ये कभी स्टैंड हो ही नहीं पाया, और सारे जितने भी थे ये भी थोड़ी थोड़ी सी है, कोशिश करूँगी इन्हें बचाने के लिए। तो उसके बाद जो है मैंने यहीं पर रिसेंटली अपने लोकल जो गवर्नमेंट की नर्सरी होती है वहाँ से मैंने 2 एक्जोरा के, 2 हिबिस्कस के और 1 2 नॉर्मल प्लांट्स जो है मैंने वहाँ से शॉपिंग की। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।